सोलन की बेटी ट्विंकल शर्मा ने एक बार फिर से हिमाचल को गौरवान्वित किया है, क्योंकि इस बार वो भारत की कोई छोटी मोटी फिल्म में नहीं बल्कि ट्रॉलीवुड मूवी RRR में अहम भूमिका निभा रही हैं। बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर ही इस फिल्म को RRR को डायरेक्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट अब बाहुबली से भी कहीं ज्यादा है। इसके एक एक सीन पर बेहद मेहनत की गई है और इस मूवी में सोलन की ट्विंकल अहम रोल अदा कर रही है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और 7 जनवरी को एक साथ कई भाषाओं में इसका रिलीज होना तय किया गया है। इसमें जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन जैसे दिग्गज अभिनेता भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही सोलन की ट्विंकल भी अहम रोल में नजर आएंगी। इस खबर से सोलन क्या समूचे हिमाचल में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ट्विंकल ने बताया कि वह शुरू में बेहद डरी हुई थी क्योंकि ऑडिशन तेलुगु भाषा में था, लेकिन कुछ ही देर में उसने डर पर काबू पाया और बिना डरे ही अपना ऑडिशन दिया। उनके आत्मविश्वास को देखकर फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली ने उनका चयन किया। ट्विंकल ने बताया कि जब सोलन में उनकी इस फिल्म के लिए पता चला तो सभी बेहद खुश हैं। ट्विंकल ने बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें बेहद सहयोग किया, यही वजह है कि वे आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि वे बेहद खुश हैं और बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला है। इंडस्ट्री के 2 स्टार्स हैं जो कि हैं जूनियर NTR और रामचरण, जो कि बहुत फेमस है, और आलिया भट्ट भी हैं, अजय देवगन सर भी हैं, काफ़ी सारे स्टार्स हैं यहाँ इसमें, और थोड़े फॉरेनर्स भी हैं इसमें, तो काफ़ी बड़ी मूवी होने वाली है ये। सबसे पहले तो मैं इस हिमाचल की शुनली माता का थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से भी हूँ। मेरी टीचर्स जॉनी सर, शीतल मैम, रमन सर जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है, केदार सर, सबका थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर उन सब की अगर वो सब मेरा साथ ना देते तो आज मैं यहाँ ना होती। तो सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो मैंने फ्लिपकार्ट की 6 एड्स करी हैं, तो उसी से ही मुझे चुना गया था कास्टिंग के द्वारा। तो पहले मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि एक ऐसे ऑडिशन है और आपको अहमदाबाद आना पड़ेगा। तो हम अहमदाबाद गए फ्लाइट लेके, और हमें कुछ नहीं पता था कि क्या है, क्या मूवी है, और हम सिर्फ गए और हम बैठ गए वहाँ पे, सेट पे चले गए, और उन्होंने हमें एक स्क्रिप्ट दी और वो अलग ही लैंग्वेज में थी, और मैं हैरान, में कौन सी लैंग्वेज आएगी मुझे तो नहीं पता, और ना मुझे तेलुगु आती थी, ना मैंने ज़्यादा सुनी है, और ना मैं ज़्यादा साउथ इंडियन मूवीज़ देखती हूँ। तो मेरे लिए वो शॉकिंग मोमेंट था कि ये कौन सी मूवी है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने सिर्फ डायलॉग्स दिए और उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे सिखाया, एक भैया थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बोलना है आपको, और मैंने 2-3 मिनट बाद उन्होंने मैंने फटाफट कर भी लिया और उन्हें सुना भी दिया। फिर मुझे डायरेक्टर सर के पास ले गए, और डायरेक्टर सर इतने डाउन टू अर्थ है, मुझे लगा ही नहीं कि वो डायरेक्टर सर है, और मैं इतनी हैरान हुई। फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, और जैसे ही मैंने कहा तो उन्होंने ऑन द स्पॉट बोला कि इतनी प्रोफेशनल है ये, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, इससे अच्छी हमारे को। तो मुझे 160 अराउंड 160 गर्ल्स में से मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो ऐसा रहा मेरा कुछ सफ़र। मैं बोलती हूँ एक डायलॉग, नन्नेडा इडसी पो करना, अम्मा यादी कोस्तुंदन्ना, इंट की तोल कपो।